प्रदेश सरकार द्वारा बेशक बेटियों की सुरक्षा को लेकर तरह तरह की योजनाओं के साथ उनके विवाह तक का इंतजाम करते हुए सरकार द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उनके विवाह किए जाए जा रहे और साथ ही दहेज रूप कन्यादान मंत्र सम्मान से लेकर एक मुश्त रकम दी जा रही है, जिसको किसी की तरह लोग दहेज जैसे शब्द को भूल जाए और कोई भी बेटी दहेज के दानों का शिकार ना बन सके। लेकिन फिर भी दहेज हत्या के मामले में प्रदेश में कोई गिरावट नहीं आ रही। यही कारण है कि प्रत्येक दूसरी विवाहिता की मौत का कारण दहेज हत्या बताया जाता है। आखिर कब तक बेटियां दहेज के दानों की भीड़ चलती रहेंगी? क्या दहेज के दानों के लिए सरकार द्वारा की गई नए अध्यादेश लाना जरूरी है या नहीं, यह एक विचारणीय विषय है। और आपको बता दें कि अलीगढ़ के गांव नूरपुर का निवासी सियाराम ने अपनी पुत्री जनता देवी का विवाह अलीगढ़ के थाना दादो निवासी सुभाष के साथ आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के साथ किया था। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है उसकी बेटी की शादी के बाद से गरीब घर की बात बताकर ताने दिए जाने के साथ साथ उसे अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती है। बहुत बार महिला के परिजनों के ससुराल पक्ष के लोगों में कहा सुनी भी हो गई। कल शाम 4 बजे महिला के परिजनों पर फोन से सूचना आई कि उनकी बेटी जनता देवी ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। महिला के परिजन जब घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम करवाने की बात कही, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच कार्रवाई जा रही है। तो वहीं महिला के परिजनों द्वारा दहेज के अतिरिक्त मांग पूरी न होने के कारण हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं SP ग्रामीण मणिलाल पटीदार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने का मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। गांव डलार जनता देवी नाम था उसका, उसकी हरदोई नंगले में शादी हुई, हरदोई नंगले में शादी हुई, उसके लिए परेशान करते थे ज़्यादा, गरीब घर की लड़की थी, दहेज मांगते थे, उसकी घटना कर दी। हम जाके पहुँचे, दूसरे गांव से फ़ोन मिला, अलग से फ़ोन मिला हमारे लिए, उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया। तो हम जाके पहुँचे 4 बजे 5 बजे के लमसम, तो जाके देखे तो मरी हुई लड़की पड़ी हुई थी वहाँ, और उसके देवर ने पिपन ने लड़की उस मार दी उसको। किस तरीके से मारा उसको? उसको चैन से मार दी लड़की के लिए, चैन लगा के उसको मार दी, फांसी लगा के मार दी। उस लड़की को लेकर हम पोस्टमार्टम में लेकर आए हैं। हम ये थाना दादो क्षेत्र में कल शाम को एक विवाहिता महिला द्वारा आत्महत्या कर लेने का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचायत नंबर का बोरी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। विवाहिता के जो परिजन है उनको अवगत करा दिया गया है। जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी।